दुकान पे, और दुकान जाने के बाद वो आ रहा था दुकान से, बच्चा किधर से गोली चला तो जो बच्चा देखा नहीं, जब गोली चला जब बच्चा पार होने जा रहा तो उसको देखना चाहिए ना कि बच्चा पार हो रहा उसके बाद हम गोली चलाएगा, बच्चा को देखा नहीं, बच्चा को देखते ही हुए क्या क्या पता उसको मारा ने क्या किया तो उसका पैर में लगा। अभी क्या मांग करते हैं? अभी क्या मांग करते जो उसका इलाज है उसको मांग रहे। इन लोगों पर जो मामला जो दर्ज किया जा रहा है क्या है प्रोटोकॉल? वैसे होना नहीं चाहिए, कोई बाजार से आ रहा, कोई दुकान से आ रहा, कोई ड्यूटी से आ रहा, मतलब इन लोगों पर जो मामला दर्ज किया झूठा मामला है। इन लोगों पर जो मामला जो दर्ज किया गया है वो झूठा मामला है क्या? झूठा ही मामला है। चारिंग वो लोग करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी। 18 को मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर, जगदीप सिंह गोलू के ऊपर हमलावरों ने हमला किया था। कौन काटी है? जिसमें जगदीप सिंह गोलू की जान चली गई, उसमें हम चश्मदीद गवाह हैं। और मेरे ऊपर सर तब से प्रेशर बनाया जा रहा है थाना प्रभारी के भी तरफ से, और सर ओलो को भी तरफ से कि तुम केस में अपना गवाही मत दो। हम बोले कि हम गवाही देंगे, हमें केस में पीछे नहीं हटेंगे। उसमें प्रशासन का भी दबाव बनाया जाता है, कोई भी सर कहीं भी झगड़ा होता है मेरा नाम उसमें दे दिया जाता है। बल्कि इससे पहले मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था सर, जब से हम सरकारी गवाह बने हैं तब से सर प्रशासन भी मेरे ऊपर केस करता है। आज भी देखिए सर, फायरिंग मेरे ऊपर हुआ, हम लोग के ऊपर हुआ है, हमला हम लोग के ऊपर हुआ है, गोलियां उस पक्ष से चलाई गई हैं। और कानपुर से आदमी आता है, और वहाँ बताइए सर, कानपुर से आदमी आके कालू बगान में क्या करने आया? और सर मेरे ऊपर गोली चलाया, हथियार चलाया, उसके बाद सर आदमी उसको पकड़ा, पब्लिक उसको मारा, उसके बाद केस सर हमें लोग के ऊपर कर दिया, काउंटर केस कर। अभी किनके पास में आया? सर मुख्य इसमें मुख्य सर है, जो कि उस समय फायरिंग हुआ कोई उसको बुलाया भी नहीं सर, हम लोग पहले सोचे कि कोई ना कोई बुलाया होगा, हम लोग को दूसरा दिन पता चला कि वहाँ कोई भी उसी को नहीं बुलाया, कोई उसको नहीं बुलाया, लेकिन वो वहाँ पर स्पॉट में था। उसके बाद सर हम लोग के अगेंस्ट में एक केस कर दिया गया, जिसमें रवि खेड़ा का नाम हम लोग दिए थे, और उसमें एफ आई आर में नाम ही नहीं है रवि खेड़ा का, और इसमें पूरा सपोर्ट मुख्य का है सर। अभी किसके पास आप लोग हैं? अभी सर एस एस पी के पास आए हैं कि हम लोग सुना जाए सर कि हमें लोग के ऊपर केस हो रहा, तो कैसे करना है? तो सर हम लोग केस वापस ले लेते हैं और हमें लोग को जेल भेज दीजिए सर, हमें लोग जगदीप सिंह को मारे थे, हमें लोग फायरिंग किए थे, हमें लोग के ऊपर हम लोग तो सुरक्षा जेल में मिलेगा ना, प्रशासन तो सुरक्षा दे नहीं रही है, प्रशासन सुरक्षा के देगी? प्रशासन केस कर रही है सर, केस करके फंसाया जा रहा है। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मनजीत सिंह विक्की सर। पिछले कई दिनों से कालू बगान का माहौल जो है खराब, प्रशासन को जिस मामले में अभी जो इन लोग आए हुए हैं उसमें दूसरे पक्ष के द्वारा इन लोगों पर हमला किया गया है, और प्रशासन ने लोकल जो थाना प्रभारी है, स्थानीय थाना प्रभारी, वो जबरदस्ती इन लोगों पर ही काउंटर केस कर दिए हैं किसी बड़े नेता के दबाव में, जिससे पक्ष परेशान है और वो पक्ष आसानी से घूमता है फिर दोबारा हमला करता है इन लोगों पर। क्या मांग करने? हम लोग मांग करने आए हैं एसएसपी साहब से कि थाना प्रभारी के का जो रवैया है, वहाँ अवैध जितने काम चल रहे हैं, बालू ढुलाई से लेकर के आपका मटका, गांजा, ब्राउन शुगर बिक्री आदि, ये सब देखे और जांचे और थाना प्रभारी पर कार्रवाई करे। जितनी गोलीकांड की घटना हो रही है थाना प्रभारी के संरक्षण दिए हुए गुर्गों के द्वारा हो रही है। तो पूरा मामला बताइए कि कब किनकी हत्या हुई थी, क्या हुई थी, क्या मामला क्या था? करीब दो जनवरी हमला किया गया। अमित जी पूरा मामला क्या था बताइए तो जरा। मामला पिछले दिनों एक वहाँ पर झड़प हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, और लगातार एक पक्ष के द्वारा वहाँ पे लोगों पर दबाव बनाया जाता है, मारपीट की जाती है, और कल या परसों इनके परिवार पर हमला हुआ, और हमला होने के बाद सब चीज़ें प्रत्यक्ष था, लेकिन बाद में जो है इनके ऊपर भी केस है, चूहा मटका अड्डा सारा कारोबार करवा रहे हैं, देखने सुनने वाला कोई नहीं, इसीलिए हम लोग आ जाए हैं किन किन लोगों के साथ। किन से मिला है एसएसपी साहब से? काउंटर केस पक्ष पर बार बार हमला हो रहा है, और प्रशासन जो है मैनेज करने के लिए कहीं पे किसी के दबाव में, किसी राजनीतिक बड़े नेता के दबाव में जो है केस करके मामले को दबाना चाह रही है।